हेलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। ये किसी भी जॉब की अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मेल आ रहे थे और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए स्टूडेंट्स का कि सर पूरे प्रीवियस स्टेट्स से, जैसे SSC JEE के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें कितनी GK पूछी गई है, कितना पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GK में, या फिर जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उस पर फोकस करके एक वीडियो बनाइए और प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताइए कि कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो उसी से रिलेटेड मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट क्लियर किया जाएगा। और जो DRDO सेप्टेम की जो वैकेंसीज हैं DRDO CAPETM की, उसका भी मैं पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है? तो ध्यान से देखना कि DRDO वाली जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि पहला वाला पेपर प्योरली नॉन टेक्निकल होने वाला है और जो दूसरा वाला पेपर आएगा उसमें टेक्निकल के थोड़े बहुत एस्पेक्ट होंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, सब कुछ बताऊंगा। और देखो मैं अब तक जितनी भी पूरी मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आया वो सब कुछ आपको बताता ही चला आया हूं, ठीक है? मैंने आपको ये भी बताया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, टोटल कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने अप्लाई किया है और वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं RTI के थ्रू। मैं सब कुछ आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बता चुका हूँ, ठीक है? और अगर आपने नहीं देखा तो जाकर results.in वेबसाइट पर विजिट करना, वहाँ पर भी मैंने मेंशन कर रखा है। चलो मैं आपको बताता हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है पूरे डिटेल से। अब देखो ये मैं पहले से बताता हूँ, पहले बता भी चुका हूँ, टोटल 600,000 के आसपास आपके फॉर्म पड़े। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, जिस किसी कैंडिडेट को नहीं पता हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 129,000 है, OBC कैटेगरी में 272,000 है, EWS में 29,000 है, SC कैटेगरी में 148,000 है, ST कैटेगरी में 61,000 है। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स आप देख सकते हो तो 650,000 के आसपास हो जाते हैं। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी ने ये डेटा नहीं देखा है तो ये RTI के थ्रू डेटा पता पड़ा है, जी साइट पर जाके आप देख सकते हो, साइट results.in, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब और आगे बताता हूँ, देखो 2019 का जो पेपर हुआ था उसके वेटेज के हिसाब से मैं बताऊँ अप्रॉक्सीमेटली उतना ही वेटेज रहता है। अब देखो करंट इशू जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है आपका, करंट इशू आपका 13 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है। ये मैं प्रीवियस ईयर के पेपर का बता रहा हूँ कि 2019 में जो मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में जो रहा था, सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका कवर होता है करंट अफेयर का, ठीक है? उसके बाद में सेकंड नंबर पर हिस्ट्री एंड कल्चर और ज्योग्राफी के पोर्शन भी आते हैं। तो एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और मैं साइट पर भी डाल दूंगा कि प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है? जनरल इंटेलिजेंस की बात करोगे दोस्त, जनरल इंटेलिजेंस जो 50 नंबर का मार्क्स आपके में रखता है, जो रीजनिंग पोर्शन जिसे बोलते हैं, तो वर्बल टाइप की जो होती है वो आपके देखो ये आ रहे हैं 36 से लेके 35 से लेके, मतलब 40 मार्क्स आपके डेडिकेटेड हैं टोटली आपके वर्बल रीजनिंग को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं देखो ये भी बता देता हूँ वर्बल कौन सी होती है, नॉन वर्बल कौन सी होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैंने फोटो लगा रखा है, देखो वर्बल रीजनिंग में आपकी अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉजी, अर्थमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज होता है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है? डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिलोलिज्म, मैट्रिक्स, लोकल वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, नॉन वर्बल में पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये वाला सारा पोर्शन होता है, ठीक है? और मैं आगे आपको दिखाऊं, और अगर SSC JEE की और माइन्यूट अगर इसका देखोगे वेटेज, देखो 2010 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज्यादा एनालॉजी पूछी गई है। एनालॉजी के बारे में पता ही होगा, आपको नहीं पता है तो जाके देखना, एनालॉजी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एज पर एज द SSC JEE एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है? उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग भी देखोगे, वन ऑड वन आउट जो आपका होता है कि चार दे दिए ऑप्शन, उनमें से तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा रहा है प्रीवियस ट्रेंड में, ठीक है? ये सब कुछ बात रही। अब देखो आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पेपर आपका नवंबर के बीच में आने वाला है, तो वो सब कुछ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, फिर दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो एक निब्बस लर्निंग के द्वारा आपके लिए ऑफर चल रहा है, निब्बस लर्निंग जो कि इंजीनियर्स एकेडमी और निब्बस लर्निंग दोनों ही एक ही हैं, उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंजीनियर्स एकेडमी का वो निब्बस लर्निंग है, ठीक है? वार्तालाप ऑफर उनका स्टार्ट हुआ है। SSC JEE पे अगर आप फोकस करना चाहते हो तो सिर्फ 909 का पूरा आपको सब कुछ उसमें कवर मिलेगा, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, और इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2022 तक होने वाली है। अगर आपको देखो डिप्लोमा के कैंडिडेट हो आप, तो आप जाहिर सी बात है DRDO में भी फॉर्म भरा होगा आपने, DRDO सेप्टेम्बर में और SSC JEE में भी भरा होगा, तो दोनों को अगर आप टैकल करना चाहते हो तो 3999 सिर्फ इतने में आपका फॉर्म पूरा पड़ने वाला है, और इसकी वैलिडिटी 31 अगस्त 2023, लगभग एक साल की आपकी वैलिडिटी होने वाली है, ठीक है? अब देखो आप कहोगे यार हमको सब कुछ की तैयारी करनी है, जितनी भी JEE के एग्जाम आए, जितने भी AE के एग्जाम आए, और वैलिडिटी अभी हमें पता तो है नहीं कि एक साल में जॉब लग जाएगी या नहीं लग जाएगी, कोई न्यू कमर स्टूडेंट है पहली बार पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तो दोस्त SSC JEE प्लस DRDO ये महागुरु मंत्र आपका है MGM का, इसको आप परचेज कर सकते हो 7999, वैलिडिटी लाइफ टाइम, जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होता जब तक पढ़ो आप, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक साल में उसके बाद में फिर अलग से पैसा देना पड़ेगा, आप अपनी कैटेगरी, अपनी स्टेज जो आप कंपटीशन में हो इस टाइम पे, उस लेवल को अभी वहां पर लो। देखो अपने आप को सब कुछ पता होता है, दूसरे वाले से अपने आप को कॉम्पीट मत करके चलो, अपने आप का कॉम्पिटिशन अपने आप से रखो और अपने आप को खुद को पता होता है कि हम किस लेवल पर स्टेज खड़े हैं। तो अगर आपको लगता है भैया मैं न्यू कमर हूं, अगर मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है, ज्यादा नहीं पढ़ रखा है, तो भैया कॉम्पिटिशन तो आपको पता ही है, कॉम्पिटिशन का तो मैं क्या ही बताऊँ। तो निब्बस लर्निंग की
ऐप डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके डाउनलोड करके वहां पे कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको देखो ये भी पे करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप देखो इस वीडियो को उन्होंने स्पॉन्सर किया तो जिंदगी यूपी की लिखोगे आप तो सब कुछ आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट वाली बात रहेगी। अब मैं थोड़ा सा और माइन्यूट से डिस्कशन कर देता हूँ, पर अगर आपको कोर्स परचेज करना है 999 का एसएससी जेईई का, तो बहुत बेहतरीन कोर्स आ जाएगा। और देखो अब पेपर आने वाला है, नवंबर में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से नॉन टेक्निकल भी आपकी तैयार हो जाएगा, टेक्निकल भी हो जाएगा। और एसएससी जेईई प्लस डीआरडीओ में 3999, ठीक है, तो ये भी हो जाता है आपका, जिसमें डीआरडीओ भी कवर होगा, जो कि आपका डीआरडीओ में तो इतनी वैकेंसी आपको पता ही होगा, 1901 वैकेंसी है। एसएससी जेईई प्लस डीआरडीओ 7999 लाइफ टाइम वैलिडिटी होने वाली है। इसमें आपको सब कुछ कराया जाएगा, डाउट सेशन भी आपका, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स इन द सेंस जो आपको लिखना हुआ करेगा, क्वेश्चन जो हुआ करेंगे उसकी पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा करेगी, सब कुछ यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इनके बैच जाकर डायरेक्टली आप ऐप पर देख सकते हो, ठीक है। और देखो इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ, एसएससी जेईई में जो एनालॉगी आपकी 325 क्वेश्चन है, ठीक है। एनालॉगी आपको नहीं पता है तो भैया जाके एक बार पढ़ो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी जेईई के लिए, ठीक है। ये देखो मैं उस जो कोर्स की बता रहा था, ये इंजीनियर्स एकेडमी और निबर्स लर्निंग की कोर्स की, ये केवल और केवल आज के रात 12 बजे तक ही वैलिड है। अगर आप चाहते हो कि इतना डिस्काउंटेड वाला कोर्स आपको मिल जाए तो जल्दी से जाके डाउनलोड करना निबर्स लर्निंग और वहां पर कोर्स देखना, और उसके बाद में जिंदगी यूपी की कोड डाल देना, क्योंकि आज रात तक ही वैलिड है। जो कि वार्तालाप आपका हुआ, वार्तालाप ऑफर चल रहा है, ठीक है। ये ऑफर में आपको मिल रहा है प्राइस, इसके बाद में प्राइस हाइक हो जाएगा, फिर मत कहना कि दोस्त अभी प्राइस जो आपने बताया था उससे ज्यादा हो चुका है, क्योंकि केवल आज ही आज के लिए वैलिड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर आप कोई भी आपको फिर भी डाउट होता है ना, तो यहाँ पे इस वाले नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर nibbuslearning.org.in पर जाके भी पूछ सकते हो। दोस्त अगर आपको इररेगुलर वे में पढ़ना है तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कोर्स तो सारा यूट्यूब पे भी मिल जाता है, लेकिन एक वेल स्ट्रक्चर जो कोर्स चाहिए तो आप एक परचेज करना पड़ेगा कोर्स, और सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छा आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही रहा, लेकिन प्रिपेयर करना पड़ेगा, कहीं से भी पढ़ो। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए तो यहाँ से रेफर कर सकते हो, पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नवंबर में आपका पेपर आने वाला है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस बार 1800 के आसपास वैकेंसी जरूर आनी है, जरूर मतलब जरूर, क्योंकि मैं आरटीआई लगा लगा के आपको हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता आया हूँ। नहीं देखिए तो results.in पर जाके भी देख सकते हो, वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, आपको जो भी मैं समझाना चाहता था आई थिंक समझ में आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय।